ये साल हम लोग कलकत्ता से आया है, तो अभी तक का कोई गाइडलाइन हम लोग का मिला नहीं है, लेकिन ये कोरोना काल में हम लोग आया है 10-12 आदमी, तो कोई पूजा का मतलब ऑर्डर बहुत कम है, लेकिन इधर साइड में अभी तक गाइडलाइन मिल जाता तो हम लोग का मतलब आसान पड़ता है, जो कितना छोटा ही मूर्ति बने तो छोटा मूर्ति में हम लोग का पेट चलाने के लिए तो कुछ मतलब बिजनेस आगे बढ़ सकते हैं। तो यही गाइडलाइन के लिए हम लोग का टाइम इंतज़ार कर रहे हैं, जो पूजा हो छोटा ही पूजा हो, जैसे सरकार से रोक दिया हो, रोक दिया था, मूर्ति जाने नहीं दिया, बड़ा बड़ा मूर्ति सब छोटी छोटी मूर्ति दिया था। ये साल हम भी चाहते हैं सरकार सरकार से है कि मूर्ति छोटा ही मूर्ति ऑर्डर दे तो हम लोग का चल सकता है। पूरा साल का खर्चा यही हम लोग का रोजी रोटी है, मतलब साल भर का खर्चा हम लोग इसमें ही जुड़ा रहता है। हम लोग का कोई खेती बाड़ी है नहीं है, हम लोग ये हाथ का ये मिट्टी शिल्प का काम सीखा है बचपन से, तो इसमें हम लोग का पेट चलता है, संसार चलता है, और जो भी हम लोग कमाता है तो 6 महीने के लिए हम लोग का रोजी रोटी चलता है। पिछले साल से ये साल थोड़ा ही महंगा है, हाँ, लेकिन अभी तो कोई ऑर्डर ये भी है ही नहीं है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत चल रही है। जब सरकार वो कस्टमर आए तो वो ऑर्डर शुरू हो जाए तो हम लोग का काम भी आगे बढ़ सकता है। आपका परिचय? हमारा नाम तापस पाल, कलकत्ता का रहने वाला। अभी तो मूर्ति सब छोटी छोटी बन रहे हैं, 5 फीट के अंदर बड़ी मूर्ति एक भी नहीं है, और गणेश पूजा वो भी छोटी छोटी है, बस बहुत महंगी भी है, लेकिन मूर्ति भी छोटा हो गया है, हर चीज़ महंगी भी हो गया है, बहुत डबल हो गया है, नुकसान तो बहुत, क्योंकि जो बड़ा मूर्ति लेता है वो उस हिसाब से पैसा छोटा मूर्ति के नहीं देंगे, लेकिन चीज़ महंगा भी है, हर चीज़ खर्च करने ले जाते हैं तो अच्छा ही, थोड़ा घर से ले आते थे यार, थोड़ा छोटा मोटा रहना हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, उसी से चलता है। हम चाहते हैं अगर पूजा सही सलामत हो जाए, पूरा परमिशन मिल जाए, चाहे छोटा चाहे बड़ा सबको हो जाएगा तब ठीक है। हमारा नाम है देवू पाल। कहाँ से आए? कलकत्ता से। देखिए, पिछले साल जो है सरकार की तरफ से ये आदेश जारी हुआ था कि दुर्गा पूजा सम्पन्न नहीं होगा, आयोजन नहीं होगा, जिसके विरोध में हम लोग बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL के साथ गई थी। PIL में जो कोर्ट के ऑर्डर थे उन्होंने कहा था कि SOP के ध्यान में रखते हुए और जो लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इनको परमिशन दिया जाए। अंततोगत्वा हमारी योगी सरकार ने उनको मान लिया, कोर्ट के ऑर्डर को माना, और उन्होंने दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए सभी को छूट दिया। जबकि हम लोगों ने पिछले साल वहाँ पे हाईकोर्ट में एफिडेविट के साथ ये कहा था कि दुर्गा पूजा बहुत सामान्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें मूर्तियाँ बड़ी नहीं होंगी, सजावट में भी उतना नहीं होगा, और हर जगह पे सैनिटाइज करने का जो एक विधान था उस समय काफ़ी बड़ा हुआ था, तो उसमें सैनिटाइज के लिए भी हमको एक PIL दायर करना पड़ा था, तो जिसके कारण से UP में कई जगहों पे हर जगह पे सैनिटाइज हुआ है, दुर्गा पूजा पंडाल सब सैनिटाइज किया गया, तो इससे काफ़ी दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद कोई रोगों में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। तो इस बार भी दुर्गा पूजा करीब करीब अब तो अगस्त का महीना लग चुका है, अब अगस्त के महीने से ही देखिए दुर्गा पूजा की जो मूर्तियों का गठन होने लगता है, तो वो अब काम चालू हो जाता है, खासकर रथ यात्रा के बाद जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बाद मूर्तियों का गठन शुरू हो जाता है, बंगाल में भी है, वो इलाहाबाद में भी हो रहा होगा और प्रदेश के अन्य जिलों पे जैसे बनारस वगैरह कानपुर वगैरह जहाँ बंगाली समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया। हमारी जो मांग है कि जो पिछले साल सरकार ने या हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे SOP के आधार पर और इस समय और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, तो ये इस साल भी होना चाहिए। हम सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इस विषय पे रुचि दिखाते हुए DM को, हर जिले के DM को एक गाइडलाइन दे दें
ताकि डीएम उस गाइडलाइन का जानकारी दुर्गा पूजा बागवाड़ियों को, दुर्गा पूजा कमेटियों को दे, तो उसी आधार पे वो मूर्तियों का गठन वगैरह होगा। क्योंकि इस बार भी एक थर्ड वेव की लहर की बातें चल रही हैं बहुत दिनों से मीडिया पे है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस साल भी हम ताम झाम के साथ दुर्गा पूजा न करें, ये हमारी राय है। तरफ से गुजारिश रहेगी क्योंकि थर्ड वेव आने की सूचना है, तो हम थोड़ा सा हम उसको देखना चाहते हैं कि ताकि दुर्गा पूजा की जो परंपरा चली आ रही है, इलाहाबाद में तो कम से कम 160 सालों से अधिक समय से दुर्गा पूजा होती चली आ रही है, तो वो परंपरा बना रहे बनी रहे। और पिछली बार भी परंपरा बनाने के लिए ही हम लोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अप्रोच किया था PIA के साथ, और जिससे एक हमारे योगी सरकार ने उसको ध्यान दिया और योगी सरकार ने कोई अनुमति दिया, तो दुर्गा पूजा पूरे उत्तर प्रदेश में संपन्न हो पाया है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर PK राय, बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव और इलाहाबाद दुर्गा पूजा समिति के मुख्य सलाहकार हूँ।